लड़का का फोटो यही है, देख लीजिए। यह लड़का को अगर कहीं आप देखें तो स्क्रीन पर चलता हुआ नंबर पर कॉल जरूर कीजिएगा, आपको आने जाने का खर्चा भी दिया जाएगा और पीड़ित परिवार के तरफ से एक उचित इनाम भी दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशी न्यूज, मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा। अभी हम मुजफ्फरपुर जिला के सकरा थाना क्षेत्र के गन्नीपुर बेझा में पहुंचे हुए हैं। हम आपको बता दें कि 17 से 18 साल का अमन कुमार, पिता का नाम मनोज राय यानी कि घर पर कल तक था, करीब 7 से 8 बजे सुबह से लापता चल रहा है। ग्रामीण का रो के बुरा हाल बना हुआ है, लड़का कहाँ है अभी तक किसी भी प्रकार का था पता नहीं चल पाया है। हम आपको बता दें कि वह लड़का जो है वह थोड़ा दिमाग से कमजोर है, हालांकि वह अपना नाम पता और घर ठिकाना सब चीज जानता है। उसको एक छोटा सा बीमारी है, जब वो उसका बीपी हाई या लो होता है तो उसका दिमाग का संतुलन जो होता है थोड़ा गड़बड़ा जाता है। दूसरी बात बता दें कि वह लड़का कल सुबह 8 बजे तक घर पर ही था और कल से लगातार गायब है। रात में कहां सोया होगा, कहां रहा होगा, किस प्रकार अभी कौन स्थिति में है, इसका कोई था पता अभी परिजन तक सूचना नहीं मिल पाई है। और हम आपको बता दें कि वह लड़का जब घर से निकला तो ना कोई कपड़ा लेकर निकला है, बस एक साइकिल और जो पहने हुए कपड़ा है वही लेकर निकला है। बाकी उनके पिताजी है, इनसे जानकारी लेते हैं कैसे कैसे कै बजे गायब हुआ था। वही 10 बजे के बाद गायब हुआ है। 10 बजे के बाद क्या कुछ हुआ था घर में, विवाद हुआ था कुछ ऐसा? विवाद हुआ था कि उसको मोबाइल पर जो है सो देखने का ज्यादा चाहत था, वो क्या बोलता है गेम पबजी उबजी जैसा। बार बार हम मना करते थे नहीं देखने के लिए, बात नहीं समझ रहा था। फिर कल सुबह उठ करके वो देखना शुरू किया, हम मोबाइल छीन लिए। छीनने के बाद वही जो है हम गाड़ी लेके निकले चौक पर, वो साइकिल लेके निकल गया। उसके पास मोबाइल वोबाइल है? मोबाइल तो हम छीन लिए थे ना, उसके पास मोबाइल नहीं है। कौन सा ड्रेस पहन के निकला था, कपड़ा ऊपर? रेड कलर का था शर्ट, काला पैंट, साइकिल था? साइकिल है, साइकिल। कहीं से कोई पता नहीं चल रहा है? नहीं, क्या साइकिल? साइकिल में एक पैंट शर्ट भी पन्नी में रख लिया था कि जा रहे हैं टेलर के पास सिलवाने, और उसके बाद फिर आया नहीं। पैंट और शर्ट दोनों लेके गया था? पैंट शर्ट लेके गया था। कितना उम्र होगा लगभग? 18-20 के बीच में है। 18-20 के बीच में। और दिमागी स्थिति क्या बोले थे, गड़बड़ है कि क्या? उसका 5 साल से इलाज करवा रहे हैं और दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है बीपी हाई लो के चक्कर में। हमेशा या कभी कभी? कभी कभी। कितना दिन के बाद लगभग? 1-2 महीने के बाद बिगड़ जाता है बीच बीच में। थाना में मतलब लिखित शिकायत की है, लापता का आवेदन दिए? अभी देंगे, अभी देंगे। अभी का लड़का था, क्या हुआ था घर में, कुछ हुआ था? कुछ भी बात नहीं, कुछ नहीं हुआ था। वहीं से कोई रिलेशन रिश्तेदार में पता नहीं चल पाया? कोई रिलेशन वाला के फोन उन किए हैं कि वो नहीं किए? हर जगह फोन किए, कहीं पता नहीं चल पाया। क्या नाम है लड़का का? अमन कुमार। आप लोग हाथ जोड़कर विनती है कि यह वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दोस्त रिश्तेदार के पास भेजे, कई जिलों में यह वीडियो को वायरल करें, ताकि इनके जो बेटा है जिनका दिमागी संतुलन जो है कभी कभी बिगड़ जाता है, वो कुछ सोचता कुछ है और करता कुछ है, बस यही की आशंका है। हालांकि जिस उम्र का लड़का है वह उम्र में कहीं भी कमा खटा सकता है, लेकिन ग्रामीणों को और इनके परिवारों को यह आशंका जता रही है कि हो सकता है कहीं वह लड़का का दिमागी संतुलन ठीक अभी नहीं होगा, तो किस प्रकार किस स्थिति में कहां पे भटकता फिर रहा होगा। हालांकि थाना में आवेदन देने की बात हो रही है। जो भी लोग वीडियो देखे हैं, स्क्रीन पर चलता हुआ लड़का का फोटो यही है, देख लीजिए। यह लड़का को अगर कहीं आप देखें तो स्क्रीन पर चलता हुआ नंबर पर कॉल जरूर कीजिएगा, आपको आने जाने का खर्चा भी दिया जाएगा और पीड़ित परिवार के तरफ से एक उचित इनाम भी दिया जाएगा। तो नमस्कार, आप देख रहे थे हिमांशी न्यूज, या वीडियो को शेयर कीजिए या फोटो को शेयर कीजिए। अगर लड़का कहीं दिखे तो डायरेक्ट स्क्रीन पर चलता हुआ नंबर पर कॉल कीजिए और तुरंत खोजने का आप भी प्रयास कीजिए और हम भी प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।